इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। कैसे दोस्त है तू? मैं तुझे बताया था कि सड़क पर लोग कैसे होते हैं। मेरे पापा के आई नो यार, तेरे पापा ने तुझे सब कुछ सिखाया, मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, जाओ। अबे साले, सुना है वो लौंडिया पूजा तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है? सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए इस लौंडियों के ऊपर, अगर हाथ से निकल गई ना पेल पाल के पीराम पाल बना देंगे। और अग्गू कट्टा लिए घूम रहा है, मुंह में घुसेड़ देगा तुम्हारे। और ये बताओ, नेताजी बीच में कहां से आ गए है? उनको कौन बताया? अबे तिल मिला रहे केक काटने के लिए। अबे पता नहीं क्या हुआ उस लौंडिया को यार, भाई वो लौंडिया कुछ बिदक गई है, कोई कुछ भड़का दिया हमारे बारे में। भैया कुछ भी हो, हम लोग का मन आ गया उस पे, समझे? अगर लौंडिया हाथ से निकली तो हम तो मारेंगे ही, और नेताजी अलग ठांसेंगे तुम्हारे। अबे काहे भड़क रहे हो यार, वो लौंडिया हमारे लिए भी चैलेंज हो गई है। अभी स्कूल की छुट्टी होगी, किसी तरह से बहला पुसला को से यहाँ लाएंगे, फिर कहीं बाहर ले चलेंगे, बढ़िया से केक काटेंगे। यार पैसा बर्बाद किए हैं, अपना टाइम बर्बाद किए हैं, ऐसे ही थोड़ी जान देंगे उस लौंडिया को। अगर ये लौंडिया हाथ से निकल गई ना, वो जो लोरोटो वाली फंसाए थे तुम, उसी से पैसा वसूल करेंगे, उसी से, समझे? तो तू क्या हुआ है? ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे बोल ही नहीं रही हो? तुमने मुझसे सब झूठ बोला, तुम झूठे हो, मुझे सब पता चल गया है। एक मिनट, तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया, यही है अपना प्यार? तुम मुझसे पूछ तो लेती। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी, चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो पूजा, प्लीज। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है। सड़क पर बात करने से अच्छा है कि हम लोग पार्क में चल के बात करें, सड़क पर बात करना अच्छा नहीं। और भाई क्या हाल है यार? ऐसा करो कि बाल में कलर कर दो और चेहरे पर मसाज कर दो, चेहरा हीरे की तरह चमकने लगे। अरे दद्दा पहले के तो पैसे दो। पे यार तुम पहले के चक्कर में पड़े रहते हो, काम तो करो, पैसा मिल रहा है, आज तुम्हारी भाभी से मिलने जाना है। डैडी अपनी बेटिया को रखना संभाल। हे डैडी अपनी बेटिया को रखना संभाल। पूजा जब हम पहली बार मिले तब मैंने आपकी हेल्प की ना, मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं गलत कैसे हो गया पूजा? पकड़ो 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 पकड़ो, इन सबको पकड़ो, थाने ले चलो सबको। Hey, चल चल थाने चल चल। अरे नेताजी, वो राज लौंडिया संग पार्क में पकड़ा गया है, तो पुलिस उठा के ले गई उसको। हाँ दीवान जी, अरे ये राजवा को काहे पकड़ लिए हैं? अरे यार वो इंस्पेक्टर है ना, बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसे नहीं छोड़ेगा। अरे केक वेक का इंतजाम यही करता है, इसके बाद भी उसको हवालात में बैठाए हो, कुछ जुगाड़ करो, छुड़वाओ उसको। चलो नेताजी देखते हैं क्या हो सकता है। क्या हुआ, कहाँ रह गई पूजा? उसके दोस्तों को फोन किया? उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, पता नहीं कहाँ है वो। पुलिस स्टेशन? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे ज्यादा जवानी सब आ रहे तो माँ बाप से कह दो तुम लोगों की शादी कर दे,
गार्डन को क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, तुम जैसी लड़कियों के पीछे सारी औरत जात बदनाम होती है। अभी तो प्यार के चक्कर में पड़ी हो, फिर उसके बाद घर से भाग जाओगी, माँ बाप को दुखी करोगी जिन्होंने इतने प्यार से पाला है। नहीं मैं क्या नहीं मैं हा? क्या नहीं मैं? अभी ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है तू, समझी? नहीं मैम, हम वो बस क्या बस हा? क्या बस ऐसे ही झाड़ियों के पीछे तुम लोग भजन कीर्तन करने आए थे क्या? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लोग पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार दे रहे हैं। कहीं मेरी लड़की भी ना ऐसे ही निकल जाए और हमारी बदनामी हो, समझे? पूजा कौन है? उनके पापा हैं। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। ध्यान नहीं देते बच्ची पे? माँ क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं। प्रॉपर्टी के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ साइन कीजिए और ले जाइए इसे घर। जी सर। आज मैं तुझे बताता हूँ। रुक जाइए, क्यों मारने जा रहे हैं उसे? क्यों मारने जा रहे हैं इसे? ये इससे पूछो, मैं इसे यहाँ बच्ची समझ रहा हूँ और ये दुनिया भर में मेरी नाक कटाने पे तुली हुई है। आज मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इसकी वजह से। इसकी वजह से? क्यों इसकी वजह से? ना समझ है, बच्ची है भी वो। तुम इसे ना समझ कह रहे हो जो गार्डन में जाकर किसी आवारा लड़के के साथ कुछ क्या कर रही है? गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप हो। आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसे प्यार से गले लगाया था? लेकिन गले लगाने का इन सब से क्या मतलब? मतलब है, आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से बात की थी? नहीं याद आया ना? पर मुझे याद है, जब ये पैदा हुई थी तो आप बहुत खुश थे। फिर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ रहा था। दिन भर सीने से लगाए घूमते रहते थे, बिना उसके कहीं आते जाते नहीं थे। फिर थोड़ी और बड़ी क्या हुई, आपने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और वो डिस्टेंस आज इतना बढ़ गया कि वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाई लिखाई शादी घर के काम नौकरी के अलावा भी कुछ सिखाया है। कभी कोशिश की है उसे बाहर की दुनिया दिखाने की, कभी ले गए उसे घर के बाहर और बताया कि समाज में कैसे भेड़िए घूमते हैं जो माँ बाप से पहले पता लगा लेते हैं कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है। कभी बताया उसे प्यार क्या होता है, कभी बताया उसे लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन क्या होता है। उसे मुखौटे पहने हुए लोग समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप ही कहते हो ना वो बच्ची है, तो फिर इस बच्ची को ढंग से बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर ये सब बातें आपने उसे बताई होती तो आज आपसे छुपकर कुछ नहीं करती वो। उसे रास्ते में कोई छेड़ता परेशान करता या प्रपोज करता तो सबसे पहले आपको बताती, अपनी जिंदगी की किताब का हर पन्ना आपको दिखाती, आपसे करेक्शन करवाती, सही गलत की समझ उसमें आती। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बाप अपनी बेटी से उस वक्त दूरी क्यों बना लेता है जब उसे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए इसकी आंखों में और बताइए कौन सही है कौन गलत। करते करते आप इतने व्यस्त हो गए कि आपकी बेटी की जरूरतों का आपको ख्याल ही नहीं रहा। बेटा, आज से तेरा बाप हर कदम पे तेरे साथ है। तुझे जो करना है कर, पर एक प्रॉमिस कर मुझसे कि आज से अपने दिल की हर बात मुझे बताएगी बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। आज से तू मेरी नजर से दुनिया को देख और मैं तेरी नजर से दुनिया को देखता हूं और दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या सही है और क्या गलत।
रिश्ता ये दुनिया में सबसे जुदा, कहते जिसे लोग बेटे पिता। पूजा, हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्योर, बट मेरे पापा के सामने।